छपरा मंडल कारा में पुलिस प्रशासन की टीम ने छापेमारी की है। एसपी सारण संतोष कुमार और डीडीसी सारण अमित कुमार के नेतृत्व में की गई इस छापेमारी में एसडीओ सदर और एसडीपीओ सदर, एसडीपीओ मढ़ौरा, नगर थाना अध्यक्ष विमल कुमार के साथ आधा दर्जन थानों की पुलिस और पुलिस केंद्र के सैकड़ों पुरुष और महिला आरक्षियों को शामिल किया गया है। सुबह 5 बजे के आसपास टीम मंडल कारा के मुख्य द्वार से जेल परिसर में घुसी और लगभग 2 घंटे तक जेल के चप्पे चप्पे की छानबीन की गई। जेल के कैदी वार्ड में सघन तलाशी के बाद हालांकि पुलिस को कुछ भी आपत्तिजनक सामान जेल वार्ड से नहीं मिला। जेल में छापेमारी का बाहर निकले एसपी संतोष कुमार ने बताया है कि जेल से वायरल तस्वीरों को लेकर पूर्व में हुई छापेमारी में मोबाइल जब्त हुआ था, लेकिन आज की छापेमारी में कुछ विशेष हाथ नहीं लगा है। प्रशासन के जेल की निगरानी के लिए प्रतिबद्धता को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल लेने देने की हिदायत के साथ जेल तलाशी अभियान खत्म हुआ। पिछले कुछ दिनों से जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कुछ फोटो वगैरह यहाँ से निकलने की बात आई थी, तो इसको लेकर के जेल प्रशासन के द्वारा पहले ही बहुत मुस्तैदी के साथ सघन छापामारी की गई थी और इन लोगों के द्वारा 6 मोबाइल भी बरामद किया गया था, जिसको लेकर के कांड दर्ज किया गया। जिला प्रशासन के द्वारा आज संयुक्त रूप से डीएम साहब के नेतृत्व में छापामारी की गई। इस दौरान कोई भी आपत्तिजनक चीज़ नहीं मिली है और हम लोगों ने एक सघन तलाशी ली। लगभग 2 घंटे से ज़्यादा समय तक छापामारी की गई। जेल में चीज़ें ठीक से रहें, इसके लिए सभी प्रकार की सतर्कता बरतने के लिए जेल प्रशासन को भी कहा गया है और हम लोग लगातार निगरानी रखेंगे और कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर से औचक कभी भी छापामारी की जाएगी। कुख्यातों को लेकर बार बार ये बात सामने आ रही है कि वो लोग जेल से ही मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर घटनाओं को अंजाम दिलवा रहे हैं। नहीं, देखिए, जहाँ तक मोबाइल फ़ोन का है, निश्चित तौर पर यहाँ पर प्रयोग हुआ था और छापामारी करके उसे बरामद भी कर लिया गया है और लगातार निगरानी रखने की आवश्यकता है, रख भी रहे हैं लोग। छापामारी करते हुए उनको उन पर नकेल कसने की आवश्यकता है और उस पर जेल प्रशासन भी सतर्क है और भी सतर्क होने की आवश्यकता है, जिसको लेकर ये लोग सतर्कता बरत भी रहे हैं।